अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एज यू नो, फाइनल टर्म पेपर्स ऑफ स्प्रिंग 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टूडेज़ गाइडलाइंस स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं, मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विजेज करने हैं। लेटेस्ट क्विजेज के बारे में बताया था कि मींस अगर आपके 4 क्विजेज हैं तो लास्ट 2 क्विजेज आई थिंक आपके फाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19-45 है, बाकी के 22-45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विजेज हैं, सेकेंड क्विज हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज कहलाएगा। अब सपोज करो 4 क्विजेज होते हैं, क्विज 1, क्विज 2, 3 एंड 4, तो क्विज 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विजेज करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विजेज, पास्ट पेपर के भी क्विजेज ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विजेज देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ी आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले CS302 के कुछ पेपर जो कि स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं। ये सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 1 ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जैसे जैसे पेपर्स आते जाएंगे मैं शेयर कर दूंगी। सो लेट्स सी, एमसीक्यूज मोस्टली पास्ट पेपर में से मॉस फाइल प्लस कॉन्सेप्चुअल भी थे। शॉर्ट क्वेश्चन में जे के फ्लिप फ्लॉप डायग्राम दी हुई थी, उसका ट्रूथ टेबल बनाना था विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक प्लस पल्स होगा शायद। जेके फ्लिप फ्लॉप के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस भी 2-3 पेपर्स मैंने शेयर किए हैं, उसमें भी ये बार बार पूछा गया था। टाइमिंग प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन था, ये भी बार बार पूछा जा रहा है। मिला आई थिंक जो भी है मशीन का क्वेश्चन था, आपने पढ़ा पता होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 बिट सिंक्रोनस काउंट की नेक्स्ट स्टेट बतानी थी, ओनली इवन नंबर वाली आउटपुट लिखनी थी से 14 तक। 5 करेक्टर इफ ए डी कन्वर्टर, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था और एक डायग्राम दी हुई थी उसकी स्टेट्स और नेक्स्ट स्टेट डिफाइन करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70% एमसीक्यूज़ फ्रॉम पास्ट पेपर से थे, मुआज, वकार, व्यू, टॉपर फाइल ये ढूंढ लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में ए बी एल वाला एक बाकी क्वेश्चंस डायग्राम थी, उनकी कोई ना कोई फंक्शन यानी आउटपुट वगैरह बतानी थी। एमसीक्यूज़ वर इजी मोस्टली फ्रॉम पास्ट पेपर रिलेटेड कमुलेटिव लॉ, आउटपुट एक्सनोर एक्सप्रेशन, लुक हिड कैरी, मल्टीप्लेक्सर, फ्लिप फ्लॉप एट्सेट्रा। 2 क्वेश्चंस थे 3 मार्क्स के रिलेटेड टू PLA एंड PL, प्रूव दैट ए डॉट ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय यूजिंग द ट्रूथ टेबल। 2 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, 1 बाइनरी नंबर वाज गिवन एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल साइन नंबर, डेसिमल, बाइनरी वगैरह ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ बफर एज नॉट एंड एज हाई इम्पीडेंस टाइप, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। सो ये पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, आगे भी और पेपर्स आते रहेंगे मैं शेयर कर दूंगी। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।